नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में जहां एक तरफ ठंड की मार है तो वहीं चुनावोकरण शुरू होने से पूरे सूबे में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। चुनावों का शंखनाद होते ही पहले चरण के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान भी हो चुका है, जिसमें जाटलैंड की कई हॉट सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई है। लेकिन 2017 के मुकाबले साल 2022 के चुनावों में वोटर्स के कम उत्साह देखने को मिला। तो देखिए, पहले चरण में कहां वोटिंग प्रतिशत में उछाल तो कहां गिरावट देखने को मिला है, प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम यूपी में 58 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पहले चरण में कुल 60.17% ही वोट पड़े हैं, जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा 63.5% रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार के चुनावों में 3% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि 2012 के चुनाव में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग रही थी, जबकि 2017 के चुनाव में करीब 3.5% वोटों का इजाफा हुआ था, जिसका जबरदस्त फायदा भाजपा को मिला था और सूबे में भाजपा ने 15 साल के बाद वापसी की थी, जिसका नुकसान सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद को उठाना पड़ा था। पहले चरण की 11 जिलों में से 7 सीटों पर ही पिछली बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है तो 4 जिलों में कम हुई है। बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और अलीगढ़ में पिछली बार से कम वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं इस चुनाव की अहम बात ये रही कि जिन हॉट सीटों पर प्रदेश की जनता की निगाह टिकी हुई थी, उन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां चुनावों से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दरअसल कैराना में पलायन का मुद्दा और मुजफ्फरनगर में दंगों का मुद्दा है, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको सभी पार्टियां अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करती हैं और इसी मुद्दे के बल पर चुनावी मैदान में दहाड़ मारती हैं। लेकिन चलिए पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं आखिर 2022 में 11 जिलों का वोट प्रतिशत क्या रहा। अलीगढ़ 62.56%, आगरा 60.65%, मेरठ 60.91%, बुलंदशहर 60.52%, हापुड़ 60.5%, बागपत 61.35%, गौतम बुद्ध नगर 56.73%, शामली 69.53%, मुजफ्फरनगर 65.95%, मथुरा 62.90%, गाजियाबाद 54.77%। इस बार वोटिंग प्रतिशत भले ही कम रहा हो, लेकिन बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने के लिए पश्चिमी यूपी की बड़ी जरूरत है। तो बीजेपी को रोकने के लिए पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी अपना परफॉर्मेंस सुधारने की चुनौती है। इसी वजह से पहले चरण वाली सीटों पर प्रचार के दौरान दोनों खेमे में टक्कर दिखी। साल 2017 से 2022 तक पश्चिमी यूपी में राजनीतिक समीकरण में खूब बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ी वजह है बीजेपी से किसानों की नाराजगी और किसानों की अगुवाई का दावा करने वाले चौधरी परिवार का इस बार अखिलेश के साथ होना। 58 सीटों में करीब 24 सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। चुनाव में वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पश्चिमी यूपी के सियासी दरवाजों से घुसना सबसे मुश्किल रहा है, लेकिन जिसने भी पश्चिमी यूपी में जीत का परचम लहराया है उसे सत्ता पाने से कोई नहीं रोक पाया है, जिसका नतीजा हमें साल 2017 के चुनावों में देखने को मिला था, जिसमें भाजपा ने
सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अब 10 मार्च को ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी पार्टी ने जाटलैंड में अपनी पगड़ी बचाई और किस पार्टी की हुई सफाई। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की ये खास रिपोर्ट। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें प्रतिशत भी आपने देख लिए कि कितना पिछली बार से कम प्रतिशत रहा है। 3% का कुल प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो वहीं राजनीति अपने चरम पर है क्योंकि अभी भी 6 चरण के मतदान बाकी है। तो वहीं राजनीति में एक नई चीज और देखने को मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड ने पूरे देश को दहला दिया था, पूरे देश की सियासत को गर्मा दिया था और इस मामले पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, वो भी चुनाव के ठीक बीच में। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ठेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार को चौतरफा घेर रहा है और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश हो रही है और इसी कोशिश में विरोधियों के साथ साथ किसान नेता भी खुलकर बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों को कुचलने की ये घटना करीब 4 महीने से यूपी के चुनाव का मुद्दा बनी हुई है, लेकिन अब चुनाव के बीच एक बार फिर इस घटना के चलते लोगों का गुस्सा उबाल पर है। वजह है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत। बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, लिहाजा हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद किसान नेताओं से लेकर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखो, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, गुंडे आदमी को बेल मिलकर लाभ थोड़ा मिलता है, वो तो भय डर से वोट तो नहीं मिले। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है, जहां भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल ने फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का भी ट्वीट सामने आया है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा और सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना था कि सख्त सजा मिले, लेकिन वो विफल रही, उसने ठीक से पैरवी नहीं की। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार को तो इसमें ब्राह्मण कार्ड नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए सरकार ने टेनी के बेटे को बेल दिलवा दी। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी पूरी, तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं, जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है, हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। सरकार एक कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं कहा जा सकता है,
लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। सवाल यही है कि किसानों को कुचलने के करीब 4 महीने बाद बक्सा भर के 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में सरकार के ही बनाई गई एसआईटी ने पेश की थी। एसआईटी ने लखीमपुर केस में विवेचना और सबूत इकट्ठा करके आरोपी बनाया था। मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ सेक्शन 3/25, 5/27 और आर्म्स एक्ट के 39 में चार्जशीट दायर की। और अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307 सा, 326, 427 और सेक्शन 34 और आर्म्स एक्ट के 30 में जमानत दे दी गई है, जिसके बाद से ही सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। चुनावी माहौल है, अब देखना ये होगा कि सरकार अपना बचाव कैसे करती है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। चुनावों के बीच राजनीति गरमा गई है और अब इसमें लखीमपुर कांड शामिल हो गया है। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है, तो वहीं सरकार उनके मंत्री बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका पर उनको भरोसा है, कोर्ट जो फैसला लेता है वो तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर लेता है, तो जो भी हो, ये वो चाहे किसी स्टार का बेटा हो, किसी नेता का बेटा हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, न्याय होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।